चैन तो अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। और गाइस आज का व्लॉग हमारे यहीं से शुरू होता है। अभी अभी हम लोग बैठ भी चुके हैं इसके अंदर, तो मैंने बोला यहीं से शुरू कर लेते हैं। मीर देखो यहाँ पर हमजा भी सो गया, बाद में बर्थ वगैरह खोल लेंगे, तो बस जो भी है अच्छा है। मीर देखो, चलो ये है कि इसके अंदर हीटर चला हुआ और सब कुछ गर्म है। वो भाई इसके अंदर USB पोर्ट भी चल रहा है, चार्जिंग कर सकते हो आप, यहाँ से चल रहा है इसका। चलो शुक्र है। तो भाई साहब इस टाइम हम लोग रुके हैं हैदराबाद में, और भाई बहुत लेट हो गए हम लोग, तो तकरीबन अभी 10 बज रहे हैं और अभी तक हैदराबाद अपन कराची 1-1.5-2 बजे अपन कब जाके पहुंचेंगे। और देखें ये हालात है स्टेशन के, तो स्टेशन ठीक है, अगर कुछ खाने पीने का यहाँ पर अच्छा होता नहीं तो कुछ लेना ही नहीं चाहिए, क्या लें यहाँ से। बाकी अभी यहाँ पर पहुँचे तो डीडी भाई की शादी की वीडियो आई हुई है, उसके बाद जाके घर के लेकर सारे मेरे पीछे पड़े हुए कि भाई आपने उसको रोका नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया। खैर उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उसके लिए मैं आपको सबको बता दूंगा, तो वो एक रिएक्शन वीडियो बना के दे दूंगा, अभी क्या करें। तो खैर बाकी जो अभी है मैं अपना व्लॉग यहाँ पे आपको दिखा रहा था, यहाँ पे क्या चल रहा है क्या चल रहा है। अंडे बन रहे हैं भाई साहब, पराठे बन रहे हैं, टिक्कियाँ, और इधर जो है ना मुँह धोया जा रहा है। मैं सोच रहा हूँ मुँह खुद भी धो लूँ अपना यहाँ से, और यहाँ पर भी मेरे ख्याल से आधा घंटा रुकेगी ट्रेन भाई साहब। तो ये कुछ स्टेशन की हालत है यहाँ पर फिलहाल। अरे भाई साहब ये तो चल पड़ी, मेरा डब्बा कौन सा है, ये यहाँ से चढ़ जाते हैं आराम से। तो यार अभी हम लोग रुके हैं लांडी में, तकरीबन 1 बजने वाला है भाई, आज तो ट्रेन हमें पहुँचा ही नहीं रही, पता नहीं कितने बजे पहुँचाएगी। ये कुछ हालात है, वो खड़ी हुई ट्रेन अभी पता नहीं यहाँ से कब निकलेगी, तकरीबन 5 घंटे लेट है और यहाँ पर भी खड़ी हुई है। तो बस आज तो रुल गए भाई, आज तो प्रोग्राम जैसे बोलते ना बढ़ गया, तो वही सीन हो गया हमारे साथ। चल पड़ भाई चल जा, ओहो लगता चल के गुस्सा खा गई, चलो शुक्र है। तो भाई साहब अभी यहाँ से बस स्लो स्लो ही जाएगी, इसके आगे आएगा शाह फैसल टाउन और फिर रहेगा हमारा कैंट, तो हम लोग कैंट पे ही रुकेंगे। तो बस चल रहे कराची के अंदर, एंट्री तो हो गई, 1:30 बजने वाला है, तो समझे 1:30 बजे तक 2 बजे तक घर पहुँच जाएंगे। तो कैंट पे पहुँच गए, बहुत मुश्किल सामान वामान उठा के, बहुत देर हो गई हमें। गैस ये देखें हम लोग जो साग लाए थे ना सारा यहाँ पर गिर गया, घर पे पहुंच गया और पूरा रास्ता में सामान उठा उठा के ना ट्रेन से, एक तो दूसरी साइड पे था प्लेटफॉर्म पे पूरा सामान मीर को जिन्हें उठा रहा था, फिर बड़ी मुश्किल से कोली मिली, फिर वहां से सामान उनके साथ रखवाया रिक्शों में इधर उधर, फिर यहां पर पहुंचे, यहां पर भी कोई नहीं, आपको पता है 8-10 तो बैग थे और जो ना मीर भी मेरे पास था, तो एक यहाँ का भी जैसे यहाँ पर है शापर फट गया साथ में, जो मैंने क्या जो नसीब में था वही था और बहते ही गुल हो गए। चलें अभी थोड़ी रेस्ट करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह। सो गाइज अभी हम लोग घर पे पहुंच चुके हैं और अभी जो ना हम लोग खा रहे हैं खाना, मीर हमजा सब ऐसे टूट के पड़ रहे हैं जैसे इनको कुछ मिला ही नहीं था अभी तक, तो चलो अभी खाना खाते हैं फिर आपसे मिलते हैं। मीर को देखो कि इनको मुँह लग गया उसने पानी पीने के लिए। तो यार अभी तक मैंने कपड़े चेंज नहीं किए अपनी, जा रहा हूँ मोटर चलाता हूँ, पानी आते हैं फिर नहाएंगे, और अभी उसके बाद जब तक पानी भरते हैं हम लोग जाते हैं भाई नेट, घर का नेट नहीं लगा हुआ, नेट की फीस भरनी है, फीस भर के आते फिर घर का पानी भरना है, बहुत सारे काम करने हैं भाई, तो आज का दिन हमारा खुआल रहेगा, चलें क्या कर सकते। तो अभी हम लोग अपनी बाइक लेने आए थे जो कि मामुद्दीन के घर पे छोड़ के गए थे, और अभी ये मट्टी हुई है, अभी इसको साफ़ भी करना पड़ेगा। खैर अभी हमें पानी भरना है, मीर का दूध लेना है, बहुत सारे घर के राशन लेने हैं। हाँ हमजा अपने सलाम नहीं कहते ना, तो बस इसको अभी आज तो नहीं कल साफ करेंगे, अभी कपड़ा वपड़ा मारते हैं और कल जो है ना मीर को देखो मीर क्या खा लो। हाँ तो अभी पानी भरते हैं, दूध लेते हैं और जो रोशन काम है घर के वो भी पूरे करते हैं, सफाई होगी ना, चलो आ जाओ। तो भाई यहाँ पर अली केन लेकर आया है, मीर ऊपर चला गया है और अभी हम लोग जाते हैं पानी भर के आते। तो अभी हम लोग सब्जी खरगोश के पास आ गए, इसका मुंह देखने नहीं आया, इसका मुंह तो इतना प्यारा है नहीं माशाल्लाह से, हम अपने मिट्ठू के पास हैं। चल हमजा आजा मिट्ठू दिखाऊं तुझे, आ जाओ केन छोड़ दो बेटा, अगर आज हमारा मिट्ठू अच्छा नहीं हुआ तो तू तो गया हाथ से, मिट्ठू अगर बीमार हुआ कुछ हुआ तू तो मर गया आज, मैं जा रहा हूँ ना मिट्ठू के पास, चल मिट्ठू चल छोटे मिट्ठू, अले मिट्ठू मिट्ठू ओहो मिट्ठू 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 घर चलने, मिट्ठू घर चलने, ओहो हो मिट्ठू तो बात भी कर रहा है, और छोटा वाला मिट्टू भी अभी तक जिंदा है यार, अबे ये अकेला रह गया, शरीर इसके साथ पार्टनर बैठ गया इस वजह से। मिट्टू देख रहे बेटा
तेरे साथ बात कर रहा था। हाँ क्यों बात की इसके साथ बात नहीं क्या कर, बड़ा बड़ा छिछोरा लड़का है। मटर मैं खिला रहा हूँ, भुट्टा मैं खिला रहा हूँ, टमाटर मैं खिला रहा हूँ, शिमला मैं खिला रहा हूँ, तो मेरे साथ बस मजबूरी के तहत वो भी तुझसे बातें कर रहा था। चलो मिट्टू मैं आ रहा हूँ, पानी भर के आ रहा हूँ, तुझे लेके चलता हूँ। तो यार पानी भर के आ गए थे मिट्टू, हम नहीं लेकर आए थे, बाद में जाऊँगा अकेला लेके आऊँगा, क्योंकि हमजा नहीं संभाल पाता पिंजरा, और मेरी अभी तबीयत डाउन हो रही है क्योंकि पंजाब में सर्दी थी और यहाँ पे अभी हम लोगों ने पंखे चलाए हुए हैं, मतलब घर में गर्मी है। तो वैसे अभी बाहर निकल तो कोट पहन के जा रहा हूँ थोड़ा, क्योंकि बाहर थोड़ी ठंड है, घरों में मतलब गर्मी है। और क्या बोलते हैं, और एक एक बंदा वही डीडी वाली फ़ोन कर करके बिना बर्बाद किया हुआ, हालांकि उनको पता है, लेकिन फ़ोन करके क्या बोलते हैं रिश्तेदार जाते हैं कि भाई हमने सुना है कि ऐसा हो, क्या ये बात सच है? तो मैंने बोलता मैं अभी क्या बोलूँ। तो सुबह से फ़ोन पे फ़ोन, ये वो बहुत सारे, मतलब ज़िंदगी झंड की हुई, ज़िंदगी हराम होती है। खैर अभी क्या कर सकते हैं भाई, अभी मैं जाता हूँ बाहर, पहले दवाई लेता हूँ फिर देखता हूँ दूसरे काम। चलिए तो आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज के यार कोई रूटीन खास थी नहीं, क्योंकि आज का रीज़न तो सबको पता है कि भाई क्या चल रहा है, क्या चल रहा है घर पे। और बस जो छोटा मोटा जो ट्रेन पे गए थे उसके बाद कोई, मतलब काम तो बहुत सारे किए घर में, इधर उधर जाते रहे, लेकिन जितना ज़्यादा शूट किया नहीं है क्योंकि दिल नहीं कर रहा था। एक तो घर पे वो ये मसला चला, वो ऊपर से एक एक बंदा फ़ोन कर रहा है कि भाई हमने सुना है रिश्तेदारों में, मैंने आपको पहले ही बताया था, तो हालांकि उनको पता तो होता है लेकिन जानबूझ के मज़े लेने वाली बात है। अभी क्या बोलें भाई, वो आपको पता है रिश्तेदार तो फिर रिश्तेदार ही होते हैं, तो फिर खैर उनको क्या बोल सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि भाई आज तकरीबन 80 से लेकर अभी तो चाचा ने, मेरे जो ससुर ने चाचा ने भाई इतने फ़ोन किए घर पे, एक एक नंबर पे, ना मैं आपको क्या बोलूँ। वो भाई फुल गुस्से में थे, क्योंकि जहर सी बात है, किसी भी लड़की का बाप होगा तो वो गुस्से में आएगा। तो भाई मुझे वो उन्होंने फ़ोन किया, मैं अभी बस आगे से उनको टाल मटाल कर दे, मैं बोला ठीक है जी, ठीक है ठीक है। अभी उनको मैं क्या बोलता भाई, अभी वो बोल रहे हैं कि फादे और दुआ को अपने पास रखो, और जो ना क्या बोलते हैं, मतलब डी डी आएगा खुद संभालेगा, फिलहाल उसको छोड़ो, और हमारी बेटी की जो है टिकट कराओ, इसको वापसी जो मतलब जो घर है गांव वाला उधर भेज दो, तो वो खुद हम देखेंगे क्या करना क्या नहीं करना। तो मैंने उनको बोला ठीक है भी, ठीक है अभी मैं क्या बोल सकता था। तो बाकी अभी मैंने बोला भैया अगर छोड़ के भी आएंगे तो अभी जहर सी बात है, घर पे तो मैं मुझे ही संभालने पड़ेंगे, क्या कर सकते हैं। तो फिलहाल तो भाई मैंने टाल मटाल कर दिया। बाकी आज पूरा दिन तकरीबन कोई 1000 फ़ोन आया होगा, उसके बाद मैंने कोई फ़ोन वोन उठाया नहीं है, और शायद इससे फ़ोन ना उठाने की वजह से और भी गुस्सा हुए होंगे वो लोग। तो क्या कह सकते हैं भैया, अभी घर पे अकेले बैठे हैं और कोई ज़्यादा कुछ है नहीं, और जो कुछ था यही है। अभी समझ नहीं आ रहा कि बंदा करे तो क्या करे यार, मतलब एक तो मतलब दिल भी दुखता है, बहुत अजीब सा भी लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है मुझे तो खास तौर पर। ये हम लोग कैसे सब लोग जमा हो के आए थे एक अच्छी फैमिली की तरह, मतलब वे लोग शुरू किए थे, सब लोग हमें कमेंट करते थे कि भाई आप लोग कितने अच्छे हो, जब से तारा हम सब एक साथ मिलके सब लोग जो ना व्लॉग वगैरह बनाया करते थे सब एक जैसे, तो कितने अच्छे हो आप लोग, सब आपस में खुल मिल के क्या हंसते हो, अच्छे व्लॉग बनाते हो, ऐसा व्लॉग हमने नहीं देखा, तो मतलब बहुत अच्छा लगता था। फिर ऐसा ऐसे सब लोग ग्रो करते रहे, और मतलब जैसे जैसे लोगों के पास पैसे आते गए तो बस मतलब हर इंसान बदलता गया बदलता गया। तो पता नहीं, एक तो काफ़ी लोगों के भाई को कोशिश होती है कि भाई हमारे पास पैसा हो, ये हो वो हो, और अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह से हमें दिया भी बहुत ज़्यादा, हमारी सोच से भी ज़्यादा दिया, लेकिन ये है कि भाई पैसा के हजम भी किसी किसी को होता है, किसी काफ़ी लोगों को नहीं होता। तो देखें पैसा आया, रिश्तेदारी सारी ख़त्म हो गई, अभी देखें काफ़ी लोग रिश्ते जो है ना काफ़ी हद तक ख़त्म हो गए काफ़ी लोगों के, हम में से अभी देखें किसी की बनती नहीं है। पहले चलो दिलों में नफरत होती थी, लेकिन ये है कि ओपनली कोई किसी को कुछ बोलते ही नहीं था, और सारे आपस में मिलजुल के मिलते थे, जो था मतलब शादियों इधर उधर कोई फंक्शन छोटा मोटा, जो पहले तो बस शादी ही होती थी, कोई बर्थडे वगैरह कुछ भी नहीं हुआ करते थे, और ना ही कोई सेलिब्रेशन वगैरह थी। ये तो हमारे चैनल आए, फिर हम लोगों ने जब लोगों को देखते थे कि अभी वो सेलिब्रेशन करें तो सब ऐसे मिल के सेलिब्रेशन करते थे। तो खैर भाई बातें ये है कि सब मतलब कहाँ से शुरू की थी अभी कहाँ पे एंड हो गया है, कोई समझ से बाहर है, मैं तो बिल्कुल ही समझ से बाहर है। कि घर में हम दोनों भाई थे, अभी क्या बोले, हमारी भी लड़ाइयाँ चल रही हैं, और क्या था भाई क्या बोले, दो ही भाई थे, मतलब घर में अभी कोई ऐसा
अब्बा आए तो बस वो भी माशाल्लाह से, और अम्मा अब्बा वाले पहले अलग हो गए थे और अभी दो ही भाई थे, तो मुझे लगा कि हम चलो आपस में सब मिलजुल के रहेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ कि भाई हम सब एक दूसरे से मिलजुल के रहें या क्या है कुछ है। तो देखिए अभी कितने हर बंदा एक जैसे एक हर बंदा यार बदल ही गया, सब कुछ चेंज ही हो गया, तो ऐसा ही होता है शायद हर किसी। और जब हम लोगों ने घर साथ में लिया तो मुझे काफ़ी लोगों ने कहा था कि भाई दो भाई कभी साथ नहीं रह सकते, मतलब जो रिश्तेदार बड़े बड़े थे कि भाई आप लोग अलग अलग लो। तो खैर उस टाइम तो हमारे पास जितनी फुर्सत थी तो साथ ही ले सकते थे, और वो चलें जो भी बेहतर हुआ था। तो बस अभी तो बस मुझे लगता है सब कुछ बिल्कुल अलग सा हो गया, आगे पता नहीं अभी क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अभी मतलब समझ नहीं आ रही कि बोलें तो बोलें क्या बोलें, किसको गंदा बोलें किसको अच्छा बोलें। तो बस ये होता है कि मेरा तो ये मानना है कि जिसके मतलब घर पे माँ बाप अच्छे उसके नसीब ही खरे। अगर हमारे घर पे हमारे माँ बाप मतलब बिल्कुल सब सेट होते तो मतलब बड़े बड़े फैसले सब वही लेते, छोटे मतलब हम जैसों को कोई मतलब कोई ऐसा होता ही नहीं कि भाई हम लोग जाके कोई ये कर दें वो कर दें, कि भाई पता है माँ बाप बैठे हुए सब कुछ वही फैसले करेंगे, ये ऐसा है ही नहीं हमारे अंदर। तो जब से ये हमारा मतलब इनका रिश्ता अम्मी अबू वाला ख़त्म हुआ उसके बारे में कैसे सब अभी सेट हो नहीं सकता, क्योंकि मेरा एक दोस्त है जैसे वो अब्बास है, मैं उसी की मिसाल मैं हमेशा हर किसी को ही देता रहता हूँ यहाँ पर जितने भी रिश्तेदार हैं, कि भाई उसके उसके अम्मा अम्मी अबू हैं जैसे वो मतलब बूढ़े हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल से तीन चार भाई हैं, तो वो जितना भी कमाते ना अभी भी उनके भाइयों की उम्र होगी मेरे ख्याल 35-40 साल होगी, 30-35 साल तो होगी उसके बड़े भाइयों की, छोटा अब्बास ये सारे मिलजुल के जो ना जो भी कमाते हैं वो सारा अभी भी उनके माँ बाप के पास रहते हैं, वो जो है ना उन सब बच्चों का अभी भी खर्चा वही चलाते हैं। तो क्योंकि अभी तक उनके वो माँ बाप जिंदा हैं और उनकी आपस में बनी हुई है तो अच्छा होता है। तो ऐसे ही जिसके घर में माँ बाप मतलब बड़े होते हैं मिलजुल के रहते तो उनके घर के हालात भी सब सेट होते हैं, सब कुछ ठीक होता है। हमारे इधर है नहीं तो लोग बोल सकते हैं कि आप लोग ऐसे, तो भाई हमारा मसला ये है कि हमारा ऊपर से ही मसला टूटा हुआ, जब से मतलब ये सब कुछ हो तो उसके बाद ऐसा ही होना था, क्योंकि जब छोटे फैसले करेंगे तो वो ऐसे ही करेंगे। खैर इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं, और कुछ बोलने के लिए खास है नहीं, आगे पता नहीं क्या से क्या होता है, पता नहीं हम यहाँ रहते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, दुनिया दुनिया चलती रहेगी और हम भी आपके साथ ही हैं। तो बस इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं, आज मेरी मुझे पता नहीं भूल भी क्या गया हूँ। तो भाई खैर जो भी है अच्छा है, इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक नेक्स्ट व्लॉग में, तो बस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।